जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, विधान परिषद के सदस्य करके लीजिए, विकास के लिए पैसे की कमी कहीं नहीं आने दी जाएगी। तो यही अपील आप सबसे करते हुए, आप सब इन लोगों के सहाय देते थे और आज आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा, उनका बयान भी अगर कहता वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि वो कूड़ा उठाने का चुनाव है, यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा के विपरीत है। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उनके द्वारा इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, और भाइयों बहनों वह तब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग नगरीय जीवन में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, इन 6 करोड़ लोगों का अपमान है, इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कोड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचरे को साफ करने का चुनाव है, उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता को, उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। और इसीलिए इस सफाई अभियान के साथ हम लोगों ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का अभियान भी चलाया। पहली बार स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम है हर गरीब के घर में एक एक शौचालय बन गया। ये स्वच्छ भारत मिशन हर नागरिक की यानी नारी गरिमा की सुरक्षा का प्रतीक को बनाई। ये स्वच्छ भारत मिशन साथ ही साथ स्वस्थ भारत का मिशन भी बना, स्वस्थ भारत की आधारशिला भी यहीं से प्रारंभ होती है। महिलाएं बाजार, कोई व्यक्ति घर के बाहर निकला हो वापस आ सके इसकी कोई गारंटी नहीं थी। आज तो हमारे शहर सेफ सिटी हो रहे हैं, व्यापारी रंगदारी देता था, आज व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर हमारी सरकार ने दिया है। और भाइयों बहनों यही नहीं, पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना में बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध, कोई माफिया